नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज BR। तो आपको बता दें कि सुपौल के निर्मल्ली में हम हैं अभी, और ये आप देख रहे हैं निर्मल्ली स्टेशन है। और कई वर्षों के बाद जो है यहाँ पे रेल संचालित हो रही है, और आज जो है ट्रेन की जो है उद्घाटन झंझारपुर में होने वाली है। और बताया जा रहा है कि उद्घाटन हो चुका है, और जो हमारे रेल मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ट्रेन की उद्घाटन किए हैं। और आपको बता दें कि सहरसा टू लहरियासराय ये नई रेलखंड की उद्घाटन आज हो रही है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है लोगों को देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आपको बता दें कि ये कोसी क्षेत्र में और मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ के लोगों में जो है काफ़ी खुशी की माहौल है और बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आपका घर यहीं पे हुआ? जी नहीं, मेरा घर मरौना हुआ, बुधरिया ही। अच्छा अच्छा, ट्रेन से यात्रा करना है क्या? जी बहुत मैं खुश हूँ, आज यात्रा करने के लिए आया हूँ यहाँ। दो घंटे कहाँ जाना है? हमें सहरसा जाना है। सामने से सहरसा जाना है, बहुत इंतजार कर रहे थे, काफी टाइम से इंतजार करते करते आज मौका मिला है यात्रा करने का। टिकट कटवा लिए? टिकट नहीं, अभी जा रहे हैं कटवाते आते हैं। टिकट लेना है, और देख सकते हैं कितना ज्यादा खुशी की माहौल है। तो पहले जो है बस से काफी ज्यादा किराया लगा, बहुत ज्यादा किराया लगता था। अभी यहाँ से सहरसा जाने में देखा हूँ, वहाँ पे मेनू चार्ट में 20 रुपए लगता है, वहाँ जाने के लिए 130 रुपए लगता था किराया, बस में ज्यादा परेशान था। 130 रुपया? हाँ जी बिल्कुल। देख सकते हैं निर्मल्ली से सहरसा बोले ना, सहरसा का जो है 130 रुपया लगता था बस का किराया, और अभी मात्र और मात्र 20 रुपया लग रहा है। तो काफ़ी जो है कहा जाए कि यहाँ के आम पब्लिक को जो है काफ़ी सुविधा मिल रही है और मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल है आज के लिए। तो देख सकते हैं कितना जो है खुशी की माहौल है, और लोगों का काफ़ी भीड़ लगा हुआ है सिर्फ देखने के लिए। और पूरी तरह से रेलवे स्टेशन जो है सुसज्जित किया गया है, सजाया भी गया है, आप देख सकते हैं। और इधर हम कुछ और भी यात्री लोगों से बात करेंगे, और आपको टिकट काउंटर भी दिखाते हैं। टिकट कटना भी चालू हो गया है। कहाँ जाना है? सुपौल जाना है। अच्छा, टिकट कटवा लिए? तो देख सकते हैं सुपौल के लिए टिकट कटवा चुके हैं और सुपौल जाना है। तो कितना ज्यादा खुशी है? जी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज बहुत कितने सालों के बाद जो जी जी ट्रेन से चल रहे हैं, तो देख सकते हैं। और इधर आपको हम इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए थोड़ा भैया तार पुते, और ये भी टिकट कटवा लिए हैं अभी। कहाँ के लिए? ये सुपौल के लिए कटवाए, ताकि आज उधर से साधन नहीं आने का, बस से आएंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए सुपौल तक हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं आज। शक से कई दिनों के बाद मौका मिला चढ़ने का, शक से जा रहे हैं। देख सकते हैं शौक से ट्रेन पे चढ़ने के लिए टिकट कटवाए हैं, और बहुत ज्यादा खुशी भी है। और कैमरामैन थोड़ा इधर भी दिखाए, देख सकते हैं काउंटर 1 पे जो है, काउंटर 1 पे टिकट भी बकायदा कट रही है। और इधर समय सारणी भी आपको दिखा दें, ये देखिए नई जो ट्रेन की नई समय सारणी लग चुकी है। और आपको बता दें कि 3 जोड़ी ट्रेन जो है ये सहरसा टू लहरियासराय चलने वाली है। तो अभी जो बताया जा रहा है कि सहरसा स्टेशन की ओर जाने वाली ट्रेन संख्या 055-43 अभी आने ही वाली है। तो अभी जो है ट्रेन आने वाली है, और कई लोग जो है शौक से भी ट्रेन की यात्रा करने के लिए टिकट कटवा रहे हैं, और ट्रेन में बैठ के जो है एक बहुत खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। तो आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं। अच्छा, ट्रेन चल रही है बहुत दिनों के बाद? बोलिए, ठीक है, खुशी की बात है। खुशी की बात है, खुशी की बात है। काफी सुविधा मिलने वाली है? अरे मिलेगा ही, मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप सर कहाँ से हैं? निर्मली से हैं। देखने आए हैं?
हाँ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा। मेरा नाम राकेश कुमार रंजन है, नगर शिक्षक हैं। अच्छा। और बहुत दिनों के बाद ट्रेन चलने वाली है, इसलिए देखने आए हैं। होगा तो सफर भी करेंगे, आगे देखते हैं। आगे इधर तो कभी गई नहीं है, जब जो समझ आया है, हमने इधर जाते हुए ट्रेन को नहीं देखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। दुख इस बात का है जो लेट हुआ, बहुत लेट हुआ। अच्छा, लेट, लेकिन शुरू हो गया, इस बात का बहुत खुशी है। चलिए, देर ही सही दुरुस्त आता है, अगर कुछ देर से भी आता है तो दुरुस्त आता है। और काफ़ी लोगों में खुशी की माहौल है, और कई लोगों में जो है इतना ज़्यादा खुशी है कि ट्रेन की यात्रा शौक से करने के लिए जो है ट्रेन का टिकट कटवा रहे हैं और ट्रेन की यात्रा जो है कर रहे हैं। तो अभी जो है ट्रेन आने ही वाली है, जो कि आपको बता दें झंझारपुर में ट्रेन की उद्घाटन हो चुकी है और ट्रेन आने ही वाली है। तो आप बने रहिए, बिल्कुल हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से तैयार है ट्रेन इस पर चलने के लिए। और काफ़ी इधर भी आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 है, और जितने भी आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं सभी के सभी देखने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग हैं जो कि यात्रा करना है, और अधिकतर लोग इसमें देखने के लिए खुशी से जो है यहाँ पे आए हैं। तो ये बता दें आपको कि कोसी क्षेत्र के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और काफ़ी यहाँ के लोगों में उत्साह भी है। कितना मिनट हुआ?